जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ऐसी चवन्नी छाप के बारे में जो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट को लगातार भेद के और उन पर कॉल करने की कोशिश कर रही है। सामने से जवाब रहता है कि हम किसी और फाइनेंस कंपनी से बोल रहे हैं, लेकिन वो होते हैं दूसरी कंपनी से। आप लोगों ने टाइटल में देखा होगा, नाम एप्लीकेशन का साफ साफ मेंशन किया हुआ है। एप्लीकेशन का नाम है क्रेडिट बी द लोन ऐप। क्रेडिट बी नाम की लोन एप्लीकेशन से अगर आपने भी किसी तरीके का पर्सनल लोन 10,000, 5,000, 2,000, 20,000, 50,000 रुपये तक का या लाख दो लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया है और लेने के बाद किसी भी कारण से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में ये कंपनी आपको परेशान करने के लिए किस हद तक गिर रही है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसका इलाज कैसे करना है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक नहीं, दो नहीं, सौ नहीं, जब 1,000-2,000 आदमी जाकर कंप्लेन करेंगे इस एप्लीकेशन की, ट्विटर पर जाकर टैग करेंगे इस एप्लीकेशन को, प्ले स्टोर पर जाके रेटिंग को लो करेंगे, साथ साथ में RBI में लगातार कंप्लेन करेंगे, उपभोक्ता फोरम में कंप्लेन करेंगे, तब जाकर इस एप्लीकेशन का टेक डाउन हो सकता है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता किसी भी कंपनी का एक रुपया भी लॉस हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी सुनने में आया है कि क्रेडिट बी नामक कंपनी के द्वारा कॉन्टैक्टों को, कंपनी के द्वारा नहीं, कंपनी जिन रिकवरी वालों को असाइन कर रही है उन थर्ड पार्टी कंपनी वालों के द्वारा कॉन्टैक्ट्स पर लगातार कॉल किए जा रहे हैं, उनके घर में, उनके ऑफिस में। अब ऐसे में कैसे बच सकते हैं? बचने का भी उपाय मैंने काफ़ी वीडियो में ऑलरेडी बताया है और एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपके सामने रखता हूँ। बचने के दो उपाय हैं। सबसे पहला उपाय ये है कि आप जीमेल आईडी से सारे कॉन्टैक्ट्स को हटाकर और नए जीमेल आईडी में सेव कर लीजिए, उसके बाद एप्लीकेशन को डिलीट कर दीजिए। पहला काम आप ये कर सकते हैं। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, क्रेडिट बी कंपनी को सामने से एक नोटिस ईमेल कर सकते हैं कि इस तरीके की घिनौनी हरकत अगर कंपनी करेगी तो आप उनका पैसा किसी भी कीमत पे नहीं चुका पाएंगे और नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये करना बिल्कुल ही गलत है। आपके जो कंज्यूमर राइट्स है उनका पूरा पूरा हनन है। और ऐसी परमिशन आपने कभी भी किसी भी सेंक्शन लेटर में अलाउ नहीं की है जिसमें कि कंपनी आपके जो कॉन्टैक्ट्स के डेटा को थर्ड पार्टी को सेल करे या आपकी डिटेल्स को थर्ड पार्टी को सेल करे। सबसे पहले तो स्टार्टिंग में लोग लगातार 100-150 कॉल आती थी, अब साथ साथ में ये कॉन्टैक्ट्स को भी कॉल कर रहे हैं। इसके साथ क्रेडिट बी की एक और जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि हेलो, मैं थाने से बोल रहा हूँ, SI इंस्पेक्टर, और आपके खिलाफ केस हो गया है, आप मुकदमा हो गया है, आप आइए और आकर अपना पैसा जमा कराइए, नहीं तो हम अपनी फोर्स के साथ आपके घर पहुंचेंगे और आपको उठा के जेल में डाल देंगे। ऐसी धमकी क्रेडिट बी की तरफ से लगातार उन लोगों को मिल रही है जिनका काफ़ी समय से डिफॉल्ट है। महीने का आखिरी यहाँ पे चल रहा है, एंडिंग चल रही है और ये सब कुछ हो रहा है। ऐसे में ऐसी कॉल्स को आप ही काफ़ी लोग सुनते ही कि हेलो हम कहाँ से, तो आपको थाने से बोल रहे हैं। थाना का नाम सुनते, पुलिस का नाम सुनते ही काफ़ी लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें, अब कैसे बचें। ये तो पुलिस के पास कंप्लेन चली गई, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर कट बताना चाहूँगा कि आपकी कंप्लेन पुलिस में नहीं की जा सकती है। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, आपकी कंप्लेन कभी भी किसी भी कारण से पुलिस में नहीं की जा सकती, क्योंकि जो आपने लोन डिफ़ॉल्ट किया है उसमें ऐसा कहीं पर भी रूल यानी कि नियम नहीं है कि आपके ऊपर किसी भी तरीके की FIR वगैरह दर्ज की जा सके। आप किसी क्रिमिनल से कम नहीं है, ऐसा साबित करना चाहती है लोन कंपनियां, लेकिन असल बात यह है कि आपने कोई क्राइम नहीं किया, सिर्फ एक पर्सनल लोन लिया,
बहुत हैवी इंटरेस्ट रेट पर और कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी समस्या घटित हो गई जिस वजह से आप इसमें फंसे रह गए। कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहता कि वो एक रुपया किसी कंपनी का डिफॉल्ट करे, और इन केस अगर कर देता है तो ये कंपनियां उनको साबित करने पे लग जाती है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलत। परिस्थिति में आपको घबराना या डरना नहीं है, मैंने ऑलरेडी हर चीज़ आपके सामने बता दी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ऊपर में व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट सपोर्ट भी दिया गया है जहाँ पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और किसी तरीके की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल लोन हेल्प इंडिया में। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो से, मिलूंगा अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।